बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब। मैं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी एफ डी रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास 1.5 किलोवाट का जो है वो वी एफ डी है, आई एन वी टी सी एच एफ 100 सोलर इन्वर्टर। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये इन्वर्टर आ चुका है और आप इसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपके नीचे वाले कार्ड में, नीचे वाले सेक्शन में इशू है या फिर सीपीयू के अंदर इशू है, मतलब कि आपकी पावर आनी और ये डिजिट जो है वो आनी हो रहे। तो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं कि आपके सीपीयू में प्रॉब्लम है या आपके ड्राइव कार्ड में, नीचे वाले पावर कार्ड में इशू है। तो ये सारा कुछ जानने के मैं आप लोगों को कनेक्शन बताऊंगा कि कहाँ पे इसको सप्लाई दे कि आप सीपीयू को टेस्ट कर सकते हैं टेबल के ऊपर कि आपका सीपीयू सही है या ख़राब है। तो मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और फौरी वीडियो को देख सकें। एक हमारे पास बड़ा होता है इन्वर्टर वी एफ डी जो है वो 7-11 वाला, उसका सी पी यू और इसका सी पी यू जो है वो डिफरेंट है। इसके सी पी यू के ऊपर ही लिखा होता है, ये देखें +5 वोल्ट और ग्राउंड, ये पिन जो है बाहर वाली ये +5 वोल्ट की है और ये ग्राउंड 5 वोल्ट की है 7 वाली। तो इसके ऊपर जो है वो कहीं भी नहीं मेंशन किया हुआ कि कहाँ पे आपने 5 वोल्ट देने हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको देखना है कि आपका सर्किट जो है वो 5 वोल्ट सप्लाई उसको कहाँ से आ रही है। तो टेस्ट आउट करने के बाद पता चला कि ये जो वायर वाला कैपेसिटर है 470 UF 16 वोल्ट का, इसके ऊपर 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो हम इसके ऊपर करते हैं कनेक्शन 5 वोल्ट सप्लाई के और देखते हैं कि हमारा सीपीयू जो है वो ऑन होता है और वर्क करता है या नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर कनेक्शन कर दिए गए हैं 5 वोल्ट के, ये ग्राउंड कैपेसिटर की ग्राउंड जो है कैपेसिटर की ग्राउंड पे लगा दिया और पॉजिटिव ये वाली वायर है और ये पॉजिटिव के ऊपर कैपेसिटर के लगा दी है। ये देख सकते हैं जहाँ पे वाइट लाइन होती है वो नेगेटिव सिरा होता है, यानी कि नेगेटिव साइड होती है कैपेसिटर की, और जो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता यानी कि वाइट लाइन नहीं होती दूसरी साइड, वहाँ पे पॉजिटिव साइड होती है कैपेसिटर की। तो ये हमने सप्लाई जो है वो ऑन कर दिया है 5 वोल्ट और इसके ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो ये देखें आई टी ई का फॉल्ट जो है वो दे रहा है। तो आई टी ई फॉल्ट जो है वो ड्राइव कार्ड की वजह से आ रहा है, ड्राइव कार्ड इसके साथ कनेक्ट नहीं है इस वजह से आ रहा है। तब हम इसके साथ जो है वो इसका जो है इसका कीपैड जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, कभी ये OC3 का देगा कभी ITE का देगा। तो ये फॉल ड्राइव कार्ड ना कनेक्ट होने की वजह से है। तो हम इसका प्रोग्राम चेक करते हैं P00 में, 0 के 0 में ये देख सकते हैं, इसका प्रोग्राम आप देख सकते हैं, जैसे मर्जी इसको टेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा इसका मतलब है कि हमारा CPU ओके है और ड्राइव कार्ड में प्रॉब्लम होगी। जब ऐसे इस पोजिशन में CPU कार्ड हमारा होगा तो इसका मतलब कि ड्राइव कार्ड में इसके इशू होगा, तो आपने ड्राइव कार्ड को टेस्ट करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।